हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्पार्की मॉम। और मैं नेहा आज आपके लिए लेके आई हूँ एक अमेजोन शॉपिंग हॉल। सो हॉल देखने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें, और कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो वीडियो स्टार्ट। सो सबसे पहला ऑर्गेनाइज़र है ये नकोडा का 5 टायर कलरफुल सा ऑर्गेनाइज़र। सो ये इस तरीके के बॉक्स में पैक होकर आया था, इसे आपको असेंबल करना पड़ेगा। बॉक्स के अंदर सारे पार्ट्स इस तरीके से दे रखे थे, इन सारे पार्ट्स को आपको असेंबल करना पड़ेगा वन बाय वन। ये इस तरीके से वाइट ट्रेस दे रखी थी, और ये कलरफुल इसके अंदर के ड्रॉर्स हैं, और पैकिंग बहुत अच्छे से कर रखी थी। तो इस तरीके से असेंबल करने के बाद कुछ ऐसा लगता है ये बहुत ही अच्छा यूज़फुल चीज़ मुझे लगी। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और अगर आप कोई रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं या फिर आपको छोटा मोटा कोई ऑफिस है या आपके घर में बच्चे हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं सामान रखने के लिए, अगर आपको ज़्यादा पैसे ना खर्च करने हो वुडन फर्नीचर पे, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, मेरी फैमिली को भी बहुत अच्छा लगा। इसी को देखते हुए हमने एक और ऐसा ही ऑर्गेनाइज़र मंगाया था। तो ये थी फर्स्ट आइटम। अब हमने मंगाया था, आपको बताइए कि कोरोना के चक्कर में सब लोग वेजिटेबल्स वगैरह वॉश करते हैं, और हम लोग भी उसी को सोडे के पानी में वॉश करके बास्केट्स में रख देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब हम उसको रख देते हैं तो वो सारा उसका पानी झड़ता रहता है स्लैब पे से, और कीचड़ हो जाता है। तो उसके लिए भी मैंने ये चीज़ मंगवाई थी, इसके लिए मैंने ये मंगवाई है। ये 4 स्टैंड की बास्केट है, और इसमें ये आप वेजिटेबल भी रख सकते हो, आप यूटेंसिल्स भी रख सकते हो, और ये भी प्लास्टिक का ही बना है। इसको भी हमें असेंबल करना होगा इस तरीके से, तो मैं आपको असेंबल करके दिखा देती हूँ कि ये कैसी लगेगी। एज यू कैन सी, मैंने इसे अपनी किचन में प्लेस किया है, और मैंने इसे वेजिटेबल्स वगैरह रखी हुई हैं। आप इसे किसी और पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बुक्स भी रख सकते हैं आप इसके ऊपर, और डेकोर भी कर सकते हैं। जैसे आपने फर्स्ट ऑर्गेनाइजर जिस ब्रांड का देखा था, मैंने उसी का एक और ऑर्गेनाइजर ऑर्डर करा है, क्योंकि वो हमें इतना ज़्यादा पसंद आया कि हमने सोचा कि एक और मंगवा लेना चाहिए। तो मैंने सोचा था कि मैं बेड के साइड में रखने के लिए एज अ साइड टेबल भी यूज़ करूँगी, क्योंकि उसमें ड्रॉर्स हैं तो उसमें कुछ आप रिमोट्स रख सकते हो, चार्जर्स रख सकते हो। तो मैंने ये ऑर्डर करा था, और वो ये है, वो कुछ इस तरीके से दिखता है, ये आप देख सकते हैं, मैं इसको अभी अच्छे से दिखाती हूँ। बट ना इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये लगी मुझे, क्योंकि इसका साइज है ना 3 टायर का, मैंने इसको ऑर्डर करा था, बट इसका साइज बहुत ज़्यादा छोटा है अकॉर्डिंग टू प्राइस। इसका प्राइस अबाउट मुझे नियर अबाउट 1000 का पड़ा है, तो उस प्राइस के अकॉर्डिंग ही मुझे बहुत छोटा लगा। बट ठीक है, काम चलाने के लिए जब मेरा यूज आ जाएगा ये बेड के साइड में रखने के लिए, तो ये बेड साइड रख के इस तरीके से दिखता है। ये आप देखिए, इसका साइज अकॉर्डिंग टू प्राइस मुझे तो बहुत छोटा लगा है, और इसके ड्रॉर्स भी काफ़ी छोटे हैं। और आपने जैसे वो पहला वाला देखा था ऑर्गेनाइज़र, वो काफ़ी उसके ड्रॉर काफ़ी बड़े थे, पर ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्नीचर ये मैच हो रहा है मेरे लिए, और चलो ठीक है, मेरा पर्पस सॉल्व हो रहा है। गाइस एक चीज़ और है कि कुछ लोग क्या है करते हैं, यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस डालते हैं जो कि सिर्फ पिक्चर्स लेके वीडियोस बना देते हैं, और उनकी वीडियोस चल भी जाती है। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो मैं ऐसी वीडियोस भी बना सकती हूँ, मेरा काम आसान ही होगा। खैर आगे बढ़ते हैं प्रोडक्ट्स की ओर। नेक्स्ट आइटम है ये एक फ्लेमिंगो वाली लाइट है, इसको भी आप किसी टेबल पे रख सकते हैं, आप इसे हैंग भी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे वेरिएंट थे, इसमें एक क्लाउड वाला था, स्टार वाला था, आपके नाम के इनिशियल्स वाले भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसे आप पार्टीज वगैरह में भी रख सकते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 लाइट्स दे रखी हैं, LED लाइट्स दे रखी हैं, और इसमें पीछे ऐसे बैटरी लग जाती है। आपने मेरा अगर कोई पिछला अमेजोन हॉल देखा होगा, होम डेकोर हॉल देखा होगा, तो मैंने इसमें लव वाली लाइट मंगवाई थी, ये भी उसी तरीके की है। ये मुझे 500 की पड़ी है, और वो मुझे 300 समथिंग की पड़ी थी। मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों का प्राइस इंक्रीज हो चुका है अमेजोन पे। सो ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसका कलर देखिए आप कितना अच्छा है, और लाइट करके इस तरीके से दिखती है। आप इसे देखिए, मैंने इसे अपने बेड के ऊपर रखा हुआ है, और इसकी लाइट काफ़ी अच्छी है,
और ये आप एज अ बेड साइड टेबल के लैम्प जो होता है उसको भी उस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं इसको, अगर ड्राई नाइट में जैसे आपको कुछ नीड हो लाइट जलाने की है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा ऑप्शन है डेकोरेट पर्पज से। नेक्स्ट आइटम है ये एक मेटल का रिक्शा है। इसके अंदर भी ना दो तरीके के वेरिएंट थे। इसके अंदर पेंटेड भी था, उस पर पेंट किया हुआ था, और इस पे ये विदाउट पेंट वाला था। तो जो पेंटेड वाला था वो 800 रुपीज का था। मुझे उसका कोई तुक नहीं लगा, मेरे पास पेंट पड़ा, मैं इसको पेंट कर दूंगी। बट है ना, मुझे इसमें एक चीज थोड़ी सी अनसेटिस्फाइड लगी है। कुछ चीजें आप देख सकते हो उसको, आप इस तरीके से देख सकते हो। ये देखो, इस पे निशान बने हुए, स्क्रैचेज हैं, और ये देखिए थोड़ा सा मेटल का ये डिफेक्ट भी है। बट मुझे लगता है कि ये जितने सारे हैंड क्राफ्टेड वर्क क्राफ्ट होते हैं, इनमें कुछ ना कुछ इसी प्रॉब्लम होती है। बट वैसे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अभी देखोगे इसके पूरे ये इस तरीके से मूव हो रहा है पूरा, मतलब ये बहुत अच्छा लगा मुझे। अभी तक वो बाइक और मोटर बाइक वगैरह लिखी रही, बट मुझे रिक्शा बहुत अच्छी लगी, तो मैं इस पे पेंट करके कुछ इसे एक्सरसाइज कर सकती हूँ। और सो ये थे सारे प्रोडक्ट्स जो मैंने अमेजोन से ऑर्डर करे थे। तो कैसे लगे आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इनका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्लीज़ अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे ज़रूर बताएं कि आप मुझे कैसा कंटेंट बनाना चाहिए, या फिर आपको मेरा जो कंटेंट मैं अभी तक बनाती आई हूँ वो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो रिसेंटली अब मेरे 200 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो मैं एक गिव अवे रखने वाली हूँ। तो गिव अवे कैसा होगा, कब होगा, वो मैं आपको डिटेल्स शेयर कर दूंगी। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, क्योंकि उससे ही आपको पता चलेगा कि मेरी वीडियो कब आ रही है और कौन सी आ रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।